फ्रेंड्स, मेरा नाम कमल लहरी है। मैं CGP रायगढ़ का स्टूडेंट हूँ। नेटवर्क ब्रांच का जो हम लोग ये मेजर प्रोजेक्ट का जो मिला है, हम लोग मेजर प्रोजेक्ट का बना रहे हैं। तो प्रोजेक्ट के रूप में हम लोग चैन लिंक फेंसिंग मशीन बना रहे हैं। चैन लिंक फेंसिंग मशीन यानी वो चैन को जाली बनाता है, वायर का जई वायर रहता है, इसको जाली बनाते हैं। तो उसमें हमने सेटअप किया, उसको थोड़ा बताते हैं इसके बारे में। ये जो है इसमें यूनिट वायरिंग लगा है, दो सौ पाँच नंबर का यूनिट वायरिंग लगा है। ये जो है ये डाई जो है, इसको हम लोग खरीदे नहीं, ये डाई को हम लोग बनाए हैं। इसमें जो प्लेट लगा है वो 50 mm का है, और ये डाई का जो इंटरनल डायमीटर है वो भी 50 mm का है। और ये जो है ये वायर को सेट करके रखता है। वायर को सेट करने का मतलब ये होता है कि वायर अगर ढीला हो जाएगा, वायर ढीला रहेगा ना, तो यहाँ जो प्रोडक्ट बंद की कर रहा है वो खराब हो। इसलिए वायर को यानी सेटअप करने के लिए इसको सेटिंग इसमें किए हैं। उसके बाद यहाँ से जाता है ये डाई है, डाई में फिर जी वायर जाता है ऐसे करके घूमते हुए। इधर से घुमाते हैं तो इसको ऐसे करके इधर से घुमाते हैं तो ये मेजर बनता है, वायर मेजर बनता है। तो इसमें मेजर साइज होता है, ये मेजर साइज होता है। मेजर साइज का मतलब ये है कि अगर इतना में ये 50 mm का है, क्योंकि ये डाई का इंटरनल डायमीटर वो भी 50 है, तो मेजर साइज वो होगा वो 50 का होगा। लेकिन ये जो साइज है तो वायर का, ये जो साइज है वो जो डाई में बना है ना, ये कटा है उसके चलते वो बना है। यहाँ से बनता हुआ फिर ये वायर ऐसे करके इसमें जाता है, यानी एक मेजर बनता है, फेंसिंग बनता है, फिर जाली बन के तैयार होता है। यानी ये कम्प्लीट किया तो चैनलिंग फेंसिंग मशीन फिर बन जाता है। बस यही है दोस्तों, अच्छा से अगर बना हो तो बताइए, कमेंट करिए।